नो मैटर यू आर अ मैन और वुमन, इफ यू आर सिंगल यू आर लक्की. वाई? क्योंकि रिलेशनशिप में होने के जितने भी नुकसान हैं वो सभी सिंगल होने के फायदे हैं. सबसे पहला फायदा तो ये कि ना तो आप किसी के कंट्रोल में होते हैं, ना ही किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. आपको हमेशा हर काम के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किससे दोस्ती रखनी है, ये सब आप खुद डिसाइड करते हैं. बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करती हैं मगर पति की सोच के आगे उनकी सोच जा ही नहीं पाती. पार्टनर से राय लेना, डिस्कस करना कोई गलत बात नहीं है मगर अपनी राय, अपने विचार, अपनी इच्छा क्या कोई मायने नहीं रखती? सिंगल होने का ये फायदा है कि कम से कम आपकी अपनी एक सोच होती है जिस पर आप अमल भी कर पाते हैं और अपनी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले बिना कोई बखेड़ा खड़ा किए ले सकते हैं. दूसरा फायदा ये है कि आप ब्लेम गेम से दूर रहते हैं. ना तो आप किसी और के एक्शंस के लिए खुद को दोष देने लगते हैं, ना ही अपने एक्शंस का ब्लेम किसी और पर थोपते हैं और इस तरह आपकी जिंदगी में एक सुकून बना रहता है. आप रोज के पर्सनल और फैमिली ड्रामा से बचे रहते हैं. दिल का ताड़ बनाना, किचन पॉलिटिक्स, तानेबाजी, जेलसी जैसे बहुत से नेगेटिव इमोशंस आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा नहीं होते और इसी वजह से आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. जब किसी भी काम के लिए किसी और के सहारे का इंतज़ार नहीं रहता, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तो ज़िंदगी में अफसोस भी कम होता है. इससे लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच बनी रहती है जो आपको ज़्यादा आशावादी इंसान बनाती है. आपका हर काम समय पर सही तरीके से होता है क्योंकि प्रायोरिटी के मुताबिक आप अपना रूटीन सेट करते हैं और फिर उस रूटीन में आपके पास घर के कामों के अलावा अपने शौक पूरा करने का भी टाइम निकल आता है. खुद पर आप ध्यान भी दे पाते हैं, दोस्तों के लिए भी वक्त निकाल पाते हैं और मस्ती टाइम भी भरपूर होता है. और हाँ, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं जब चाहें जितना चाहें. अमूमन लोग कुछ भी नया करने या सीखने से पहले उसमें फ़ायदा ढूंढते हैं मगर सिंगल पर्सन के लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है. जिस चीज़ में उसे खुशी मिल रही है वो उसे करने से झिझकता नहीं है. इसीलिए ज़्यादातर सिंगल व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं. वो लगातार नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं. क्यों, किस लिए, इस उम्र में अब क्या सीखना है, ऐसी बातों की परवाह किए बगैर. सिंगल व्यक्ति अमूमन कम इनसिक्योर होते हैं. एक्सपेक्टेशंस का भारी बोझ उन पर भी होता है पर छोटी छोटी बातों में नहीं. उन्हें अपने ही घर में अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव नहीं करनी पड़ती. महिला है तो हर वक्त सुंदर दिखने का, फेक स्माइल करने का. पुरुष है तो स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होने का प्रेशर नहीं होता. इस तरह आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से खुलेपन के साथ भी जी पाते हैं. हर इंसान की अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है और हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हुई चैट को, अपनी पर्सनल या ऑफिशियल ईमेल्स को या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को किसी से शेयर करे या नहीं. और मोस्टली रिलेशनशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता. लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आप 24/7 की इस निगरानी से बचे रहते हैं. ये प्रेशर नहीं होता कि आप पर हर समय किसी की नज़र है, चाहे वो पर्सनली हो या वर्चुअली. आपको हर छोटी छोटी बात के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता और ये एक और बहुत बड़ा फायदा है सिंगल होने का. तो मानते हैं ना आप कि अगर आप सिंगल हैं तो लकी हैं.